कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन इधर पिछले 48 घंटे से विपक्ष के नेताओं ने मतगणना पर मातम शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि अगर एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें आती हैं तो इसका मतलब होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। की बार ईवीएम पर विपक्ष का कोहरा। ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन के नेता कोस रहे हैं। मतगणना से पहले ही ईवीएम और चुनाव आयोग पर विपक्षी दल के नेता मातम मनाने लगे हैं। आखिर अचानक विपक्षी नेताओं को ईवीएम और चुनाव आयोग पर गदर मचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अब अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा देखिए, ईवीएम और चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन और दूसरे विपक्षी दलों के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मैं चुनाव आयोग का बड़ा सम्मान करता हूं। हालांकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। ईवीएम पे सवाल उठेगा 4 जून के बाद, चाहे नतीजा जो भी हो हमें सतर्क रहना है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है। और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर तीखे सवाल खड़े करने के पीछे कुछ वजह भी जान लीजिए। असल में पूरा माजरा है क्या? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव का प्रोसेस कुल 43 दिन तक चला था। अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बीच मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों ने इंडिया गठबंधन और बाकी विरोधी दल के नेताओं के तन बदन में आग लगा दी है। एग्जिट पोल के नतीजों में इंडिया की बंपर जीत और इंडिया गठबंधन की प्रचंड हार के नतीजों ने विपक्ष को इतना ज्यादा बेचैन कर दिया है कि वो ईवीएम और चुनाव आयोग को अभी से कोसना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए विरोधी दल के नेता बार बार चुनाव आयोग से मांगे कर रहे हैं। जरा देखिए, पहली मांग, पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं। दूसरी मांग, नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक इन नियमों को लागू कराए। तीसरी मांग, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी मांग, मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। पांचवी मांग, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग के दौरान उसे रीकन्फर्म किया जाए। मतगणना शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए साफ कहा कि अगर बीजेपी 300 पार कर जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। जरा सुनिए दिग्विजय सिंह ईवीएम और चुनाव आयोग पर कैसे भड़ास निकाल रहे हैं। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कहा है और ये भी माना है, चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पहले वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए गए, फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, फिर फॉर्म 17C को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई,
और अब एआरओ के बारे में झूठ का गुब्बारा उड़ाया गया। ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की गई। कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब निगेटिव नैरेटिव बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। कुल मिलाकर एनडीए के 400 पार दावे के चक्कर में विपक्षी दल अब ईवीएम को बदनाम करने में जुट गया है। एग्जिट पोल ने एक तरह से विपक्ष का सियासी स्वाद खराब कर दिया है, इसीलिए तरह तरह के आरोप। जरा देखिए कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश का गृहमंत्री अमित शाह पर क्या आरोप है,